प्रणाम, राम राम जी। मैं हूँ आप सबकी अपनी ऋषिका सिंह चंदे। आज है दिवाली और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कहना चाहूँगी कि जरा सा मुस्कुरा देना दिवाली से पहले, हर गम को भुला देना दिवाली से पहले। ये मत सोचना कि किस किस ने दिल दुखाया है, सबको माफ कर देना दिवाली से पहले। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और ये कहना चाहूँगी कि अगर जाने अनजाने में मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती, सोच ही नहीं सकती मैं, बट स्टिल अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और वैसे भी कहते हैं ना, दिवाली में एक नई शुरुआत करते हैं, तो चलिए मिलके एक नई शुरुआत करते हैं। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कि कैसे आज मैं घर में पूजा करने वाली हूँ और कैसे मैंने घर को डेकोरेट किया है। चलिए आप सबको दिखाती हूँ मैं। सो स्टे ट्यून्ड, हैप्पी दिवाली। क्या लूँ मैं, चलिए ये लीजिए, हैप्पी दिवाली। इतने अभी बचे हुए हैं आपके, बाकी सब बिक गए, मतलब जितने थे बिक गए ना। चलिए बढ़िया। हाँ पिछले साल भी आई थी मैं। हाँ आप वहाँ पे लगाया था आपने, अच्छा याद है आपको। नहीं अच्छा है, ठीक है, अभी बिक जाएगा, अभी तो टाइम है ही थोड़े बहुत। चलिए हैप्पी दिवाली हमको। आपको नहीं बुलाया है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और बाकी ड्यूजे वो बाद में, हैप्पी दिवाली। ओके खा लीजिएगा, ठीक है। ये भी ले लीजिए, इसमें डालने के लिए चाहिए ना। तो चलिए रंगोली बनाते हैं। आज से पहले मैंने रंगोली कभी नहीं बनाई थी। ये जो भी रंगोली बना रही हूँ मैं, वो YouTube से वीडियो देख देख के बनाया है मैंने। एंड मैंने कोशिश की है कि रंगोली अच्छी बन जाए, अच्छी नहीं ब्यूटीफुल बन जाए। और रंगोली कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं बना रही हूँ लक्ष्मी जी के पैर। इसमें मैंने बेसन और हल्दी मिलाया है। मेरे हाथ पता है क्या हो गए, मेरे हाथ हल्दी हल्दी हो गए। और ये एक प्लेट में मैंने ओरिजिनल फ्लावर्स सजाए हैं और सेंटर टेबल के नीचे रख दिया है। और अब मैं कैंडल सजा रही हूँ बैम्बू ट्री के आसपास, ताकि वो बहुत ब्यूटीफुल दिखे, इन्हेंस होकर लुक निकले। और इसके बाद क्या सजाने वाली हूँ मैं, हाँ इसके बाद भी तो मैं कैंडल ही सजाने वाली हूँ सेंटर टेबल पर। देखिए अब इस साइड रखूँगी मैं कैंडल और फिर उस साइड रखूँगी मैं कैंडल, ताकि कैंडल से घर खूबसूरत लगे। और कहते हैं ना कैंडल से पॉजिटिविटी आती है, तो दिवाली वाले दिन तो ये बनता ही है। सो ये है कैंडल, ब्यूटीफुल कैंडल्स। थोड़ा सा डेकोरेट किया है मैंने कैंडल्स को भी, ताकि बहुत खूबसूरत दिखे कैंडल। और यहाँ पे मैंने दिया रखा है, वो भी कैंडल्स हैं उसके अंदर। सो यहाँ पे और ये ओरिजिनल फ्लावर्स से मैंने सजाया है। एंड ये देखिए, ये फ्लोटिंग कैंडल डाल दी है मैंने, और ये मुझे बड़ा मज़ा आया डाल के। मतलब ये मैजिकल चीज़ थी मेरे लिए, कह रहे भाई पानी में डालूंगी तो ये लाइट जलने लग जाएगी, बिल्कुल दिए जैसे दिखेगी। सो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं, बट मैंने सब अपने अकॉर्डिंग किया है ताकि चीज़ें खूबसूरत लगें। ये एक बच्चे ने, मेरा जो नेबर है उसने ख़राब कर दिया रंगोली। और ये है फाइनल लुक, देखिए बाहर तोरण मैंने ऐसे लगाया है और ये है अंदर का। और ये जो दिख रहा है आपको, ये फ्लोटिंग कैंडल्स हैं एंड ये कैंडल वाले दिए हैं। और ये मैंने कर्टन के ऊपर कुछ लाइट्स लगाए हैं। और ये जो आपको फ्रेम दिख रहा है उसमें ऋषिका सिंह चंदेल लिखा है। और ये देखो प्यारा है ना, ये मुझे बड़े प्यारे लगे तो मैंने लगा दिया अब इसके यहाँ। और यहाँ पे जितने भी मेरे घर में इंडोर प्लांट्स हैं उसके बाहर भी मैंने दिए जलाए हैं ताकि खूबसूरत दिखे। और ये सेंटर टेबल पे जो मैंने कैंडल्स जलाए थे, रखे थे, वो जला दिए हैं। और ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। और ये जो फ्लावर मैंने सजाया था प्लेट में, वो वही है। और ये मंदिर है मेरा, मैंने मंदिर उठा के यहाँ बाहर रूम में रखा है। यहाँ पे एंट्रेंस पे भी मैंने नीचे ओरिजिनल फ्लावर डाल के उसके ऊपर कैंडल सजाया है।
और ये अरोमा वाले कैंडल्स हैं ताकि घर खुशबू से महक उठे। और ये देखिए, सारी चीज़ें ऑन करने के बाद, लाइटें जलाने के बाद, कैंडल्स जलाने के बाद, ये लुक कुछ ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बताइए तो सही। और ये है, ये जो ट्री है, ये लाइट वाले ट्री है, ये मैं इन्फिनिटी जाके लेके आई थी मॉल से, मुझे बहुत प्यारे लगे थे। तो चलिए पूजा करते हैं। और ये रिंग है जो मैंने धनतेरस पे ली थी, ये चांदी के कॉइन्स हैं, ये चांदी के लक्ष्मी और गणेश जी हैं, और ये इस साल जो मैं लक्ष्मी गणेश जी लेके आई हूँ वो हैं, और ये पिछले साल वाले लक्ष्मी और गणेश जी हैं। और अभी मैं पूजा करने वाली हूँ, ये आप मंडप देख सकते हैं, यहीं से मैं पूजा करूँगी। ये कटोरी में धनिया है, और धनिया बहुत शुभ होता है सब कहते हैं, तो चलिए हम सब मिलके एक साथ पूजा करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। पूजा तो कर ली है मैंने, अच्छे से आशीर्वाद भी ले लिए, आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। और बहुत 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 जल्द मैं मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बी सेफ एंड कीप सेफ। राम राम जी।